खुश आमदीद, माई नेम इज़ आसिम एंड यू आर वॉचिंग आसिम साफी। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू फ्री फायर बैटल ग्राउंड। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं YouTube यूज़ कर रहा था तो अचानक मेरे सामने अबू बकर, मिस्टर अबू के नाम से, जिनको आप सब जानते हैं, उनकी एक वीडियो मेरे सामने आती है जिसमें वो नो गन स्किन जो है ना फुल मैप चैलेंज कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा यार ये तो हम भी फुल मैप खेलते हैं, क्यों ना हम भी नो गन स्किन फुल मैप चैलेंज जो है ना ट्राई करते हैं और अपनी अंदाज से इसको रिक्रिएट करते हैं। मिस्टर अबू ने जो वो गेम खेली थी उसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला और हम भी कोशिश करेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा किल करें। और सबसे पहले तो तुम लोग देख सकते हो मैंने सारी गन स्किल्स जो है ना चेंज कर दी हैं, विदाउट गन स्किल्स हम खेलेंगे पूरी गेम। और चलते हैं फिर वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो हमेशा की तरह हम अपनी फेवरेट जगह पीक पे ही लैंड करेंगे और मुझे थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे रेंज में रहना पड़ेगा क्योंकि गन स्किन है नहीं। ज़्यादातर मैं रेट ऑफ फायर वाली गन स्किन यूज़ करता हूँ जिसकी वजह से क्या होता है कि हेडशॉट जो है ना ईजी लगते हैं। तो मुझे अभी थोड़ा सा शायद रिकॉइल का सामना करना पड़े, बट खैर हम हर कंडीशन को देख लेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किल हम पीक पे भी निकाल लें और फुल जो है ना गेम क्लियर भी कर लें। चलते हैं अपनी फेवरेट जगह पे और देखते हैं कितने बंदे आते हैं और कितने किल जो है ना हम कर पाते हैं। और तुम लोग देख सकते हो स्कैनर में जो है एक बंदा शो हो रहा है लेफ्ट साइड पर, तो देखते हैं अगर कोई यहीं पर आ जाए, लेकिन नहीं, शायद उधर भी चला गया पीक पर। खैर जल्दी से लूट करते हैं और पीक के मेन जो है ना ब्रोकन हाउस के पास जाते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो मुझे सबसे पहले तो UMP और स्कार मिल चुकी है और देखते हैं यहाँ पर ऊपर, क्योंकि वो बंदा तुम लोगों को पता आया था तो वो सामने फाइट हो रही है। जल्दी से ड्रैग करेंगे, 113 के साथ डाउन, अच्छा डैमेज था काफ़ी। जल्दी से डाउन वाले को पहले कंप्लीट करेंगे और एक किल चोरी हो गया दूसरे को, तीसरा भी आ गया, जल्दी से इसको भी ड्रैग करेंगे और ज़बरदस्त, क्या ही बात है, 3 किल 2 सेकेंड में ही हो गए। और एक पीछे बंदा मार रहा है, बैठा इसको पहले कम्प्लीट कर लेते हैं और अब इस पर भी हम रश कर लेते हैं, भाग रहे हैं यहाँ से, जल्दी से आगे से जाके इसको पकड़ते हैं। तो यहाँ पर कहीं गया है शायद इस दरख्त के पीछे, लेट्स सी। अरे वुकोंग बना हुआ है जिसका वेट करते हैं और हेडशॉट के साथ ख़त्म, काफ़ी अच्छा बंदा था। वुकोंग बन के उधर ही खड़ा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो घास है, तो काफ़ी अच्छा उसने स्ट्रेटेजी लगाई, बट आखिर में उसने जो मूवमेंट कर दी उसकी वजह से वो फंस गया। तो खैर और बंदे ढूंढते हैं और देखते हैं कि कितने बंदे और पीक पे हमें मिलते हैं। सो फार हमारे 4 किल्स हो गए हैं पीक पे, तो गेम अभी तक तो अच्छी चल रही है और लेट्स सी कितने बंदे। अरे सामने बंदा, इसका वेट करेंगे, अच्छा वो मेरा वेट कर रहा है, रश करेंगे इसके ऊपर डायरेक्ट और रेड नंबर के साथ काफ़ी डैमेज है, दोबारा से ड्रैग करेंगे और डाउन, काफ़ी ज़बरदस्त इसको हेडशॉट लगे हैं। और देखते हैं इसके आगे पीछे और बंदे भी हैं कि नहीं, मुझे लग तो रहे होने तो चाहिए क्योंकि यहाँ पे डाउन हुआ है तो मतलब इसका स्क्वाड हो सकता है, लेकिन नहीं शायद नहीं है। जल्दी से सारे लूट शूट करते हैं और आगे नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमें बंदे मिलते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पर मैं पोची नॉक पे आ गया था और सामने तुम लोग देख सकते हो फायर जो है ना लोकेशन मिल गई है बंदे की, तो इसको हम ट्रैक करके हेडशॉट मारने की कोशिश करते हैं और 65 का एक छोटा सा हेडशॉट लग गया, चलिए इसको कम्प्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये कहीं वहाँ पर किसी के साथ फाइट कर रहा था, तो मतलब और बंदे हो सकते हैं। तो हम राइट साइड से जाते हैं और देखते हैं, अरे सामने एक और बंदा भी भाग रहा है, तो मुझे थोड़ा देख के रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे और भी बंदे, अरे सामने बंदा, जल्दी से ट्रैक करेंगे, ओनली रेड के साथ डाउन, इसको कम्प्लीट कर लेते हैं क्योंकि मैं नीचे करीब है वो, और यहाँ पे इस करीब भी मेरे एक बंदा है, इस पर भी हम रश कर लेते हैं और सामने आ जाए भाई, सामने नहीं आ रहा तो उसको मुझे लगता है रोटेट होकर इसको हम मार सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कितने बंदे हैं, अगर मैं बीच में घुस गया और मसला हो सकता है, थोड़ा सा मुझे रेंज में रह के फाइट लेनी पड़ेगी। और सामने आ गए, जल्दी से ट्रैक करेंगे, 147 काफ़ी डैमेज है, जल्दी से इसके ऊपर रश करेंगे क्योंकि पैनिक होगा तो वो डर के मारे ही मर जाएगा, तो जल्दी से ट्रैक करेंगे ओनली रेड के साथ। देखा वो भाग रहा था पैनिक होके, तो ईजिली मैंने उसको मार दिया, कभी भी पैनिक होके भागना नहीं चाहिए, शायद ये कोशिश कर ले तो शायद मुझे मार भी देता। जल्दी से इनकी लूट कर लेते हैं और चलते हैं आगे, लेट्स सी। 8 किल सो फार हम कर चुके हैं और लेट्स सी कि कितने किल्स और हम गेम में कर पाते हैं विदाउट गन स्किन चैलेंज। तो यहाँ पे मैं आ गया था, तो सामने तुम लोग देख सकते हो बंदा रिवाइव दे रहे हैं किसी को, तो वहीं पर जाके इसको मारते हैं क्योंकि यहाँ से वो कवर में भी जा सकता है, तो करीब जाके जो चांसेस उसके बचने के हैं तो कम हो जाएंगे। ओ सामने बैठा हुआ है, जल्दी से स्कोप करके एक हेडशॉट और दूसरे हेडशॉट के साथ ख़त्म, उसको ऊपर से कहीं से पड़ रही थी तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ऊपर वालों का भी क्योंकि इसने ग्लोबल एम ही नहीं लगाई होगी, जरूर किसी की तरफ से पड़ रही होगी। अच्छा ऊपर से मार है कोई, जल्दी से कवर लेंगे, कहाँ से मार है, अच्छा वो पत्थर के पीछे है, जल्दी से स्कोप करके मारने की कोशिश कर गया। अरे भाई साहब पूरे मेरी 60 की हेल्थ इसने छोड़ दी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डैमेज दे रहा है, तो यहाँ से तो मारना इसको पॉसिबल नहीं है। घूम के इसके राइट साइड से जाते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं करीब से जाके इनको मारें।
मुझे नहीं पता कितने बंदे हैं, बट जितने भी होंगे खैर वो इन पे जाके पता लगेगा। मेरे पास लूट ठीक है, 10 ब्लू वॉल जो है तीन ठीक है, तो मेरे पास लूट भी अच्छी है और उम्मीद है कि मैं जो है ना इसको आपको ख़त्म कर दूँ। जल्दी से जाते हैं ऊपर, सामने तुम लोग देख सकते हो जल्दी से इसको डाउन कर देंगे। काफ़ी डैमेज हो गया बट कम्प्लीट नहीं हो पाया। खैर वहीं पर जाके इसको पे लेते हैं। अरे पीछे से कोई मार रहा है, जल्दी से भी लगाएंगे उसको कवर करेंगे। अरे पैसे जल्दी से ड्रैग करेंगे, काफ़ी डैमेज हुआ है वो भी और मेरी भी काफ़ी हेल्थ उसने खा ली है, तो जल्दी से हील करेंगे। अब मैं थोड़ा सैंडविच बन गया हूँ तो मुझे लगता है नीचे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से भी पड़ेगी नीचे से भी पड़ेगी तो मैं बच नहीं पाऊँगा। तो पहले सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं और ड्रैग करने की कोशिश करते हैं और लग जाए भाई जल्दी से ड्रैग करके ख़त्म। काफ़ी अच्छा ड्रैग शॉट लगा। अरे टीका लगा रहा है, जल्दी से कम्प्लीट करेंगे नहीं तो ये उठ जाएगा। और उठ गया भाई साहब, दोबारा डाउन हो गया यार, क्या फ्री सीन हो गया बेचारे के साथ। कोशिश की है उसने, ग्लू भी लगा ली थी लेकिन फिर भी नहीं बच पाया। खैर हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें किन मिल गया। और जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं और ग्लू लगा के इसको हम लूट भी कर लेते हैं, क्योंकि आगे पीछे से पड़ सकती है कहीं से भी। तो आगे जाते हैं फैक्ट्री। अरे सामने काफ़ी ग्लू वॉल्स लगी हैं, जल्दी से डैमेज देंगे इनको। लेकिन सारे कवर में हैं, तो मुझे नहीं पता कितने बंदे हैं, बट एक दो स्क्वाड तो आपस में लड़ ही रहे हैं क्योंकि फायर की जो है ना निशान काफ़ी ज़्यादा शो हो रहे हैं। तो वहीं पर जाके इनको पेलते हैं, यहाँ से तो कोई नज़र नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे इनके करीब आ गया था बट कोई मुझे नज़र नहीं आता, और सामने एक बंदा आ गया। जल्दी से इसको कंप्लीट करके डाउन करके कंप्लीट भी कर देंगे और बैकअप लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे दो तीन बंदे और हैं। यहाँ पर जिस तरह ये फायरिंग हो रही है ना तो बंदे ज़्यादा हैं, तो पहले मुझे बैकअप लेना चाहिए। बीच में घुस के मारने जो होता है अच्छा आइडिया नहीं है। थोड़ा सा हम बैकअप लेंगे और यहाँ पर वेट करेंगे बंदों के आने का और आराम से जो है ना किल लेंगे यहाँ से कवर से। मैं यहाँ पे इसका वेट कर रहा था और मैंने यहाँ से जल्दी से ग्लू वॉल फोड़ दी और सामने बंदा आ गया है। जल्दी से ड्रैग करेंगे बट रिकॉइल बहुत दे रहा है, किसी और ने डाउन कर दिया। जल्दी से किल चोरी करेंगे, ज़बरदस्त फ्री का किल मिल गया। जिस घर पे मैं हूँ ना, मेरे इस छत पे भी एक बंदा है, तो उसने इसको डाउन किया बट किल जो है ना मैंने बटोर लिया। एक और बंदा भी है पीछे, जल्दी से का वेट करेंगे और फुल ड्रैग के साथ इसको भी ख़त्म कर देंगे। जल्दी से डाउन वाले को भी हेडशॉट और हमारे इसी के साथ 13 किल हो गए हैं। अभी तक काफ़ी अच्छी गेम जा रही है और कोशिश करेंगे कि इस गेम को हम बढ़िया भी कर लें। और एआर कम है, जल्दी से एआर ढूंढते हैं। अरे सामने बंदा, जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। अरे भाई साहब बचा लेगा ये तो, लेकिन नहीं वो एलिमिनेट, और इसको जल्दी से मारेंगे। अरे इसका नेट स्लो है या मेरा? अरे मेरा नेट 300 चल रहा है यार, क्या सीन है। बंदा किधर गया? जल्दी से बंदे को ढूंढते हैं। अरे सामने आ गया, जल्दी से ड्रैग करेंगे। 108 काफ़ी डैमेज लग रहा था बंदा और काफ़ी हाई पिंग पे इसको हमने मार दिया। अभी तुम लोग देख सकते थे 500 पिंग हो रही है बार बार, तो सिचुएशन काफ़ी टफ हो गई है। और भैया हमें चाहिए किसी भी सूरत में। फिलहाल 14 किल हमने कर लिए हैं और 8 बंदे लाए हैं। यहाँ से मैं आगे जा रहा था बंदे ढूंढते हुए, तुम लोग देख सकते हो सामने एक बंदा ग्लू के पीछे है। तो वेट करेंगे, सबसे पहले ड्रैग करेंगे 82 का और दोबारा से ड्रैग करके इसको ख़त्म कर देंगे। 134 हेडशॉट लगा, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और 7 बंदे अलाइव हैं और 15 किल हमने कर लिए हैं अभी तक। जल्दी से इसको लूट भी लेते हैं, बट खास कोई लूट तो नहीं थी इसके पास। तो ऊपर जाते हैं और लेट्स सी कि कितने किल हम करते हैं। फिलहाल 15 किल हमने कर लिए हैं और सामने तुम देखते हो तो बंदा है, जल्दी से इसको ड्रैग करने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी डैमेज है, थोड़ा सा और डैमेज देंगे तो मर जाएगा। और बूम हेडशॉट के साथ, ये भी क्या काफ़ी ज़बरदस्त हेडशॉट लगा इसको भी। और जल्दी से ऊपर जाते हैं और 3 बंदे रह गए हैं, तो मतलब शायद एक स्क्वाड रह गया, तो जल्दी से जाके इनको भी मार लेते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर आ गया था, सॉलिड कवर मैंने ले लिया और सामने मेरे 2 बंदे हैं और दोनों एक ही टीम के हैं, तो जल्दी से इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। नेट भी हो रहे हैं मेरे पे बट खैर हम हार नहीं मानेंगे इतना आसानी से। और सामने आने का वेट करेंगे और फुल रेड के साथ एक को डाउन कर दिया। जल्दी से अब रश करेंगे, अभी रुकने का मकसद नहीं है कोई भी। और नीचे भी एक बंदा, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा डैमेज दे रहा है मुझे। और कोशिश करते हैं इसको मैं भी थोड़ा सा डैमेज दे दूँ और जल्दी से डैमेज करेंगे। 90 का काफ़ी अच्छा डैमेज है और रश कर देंगे इस पर, बट वो नेट्स काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं मुझ पर, उसका सारा फोकस नेडो पे ही है भाई। यहाँ पे ग्लू के पीछे वो छुप के बैठा हुआ है, सामने नहीं आ रहा और मैं उसका वेट कर रहा हूँ किसी तरह वो सामने आ जाए। काफ़ी अच्छा डैमेज दे देता है मुझे थोड़े से टाइम में और काफ़ी ज़्यादा मुझे तंग कर रहा है, तो जल्दी से इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और 153 और काफ़ी डैमेज भी पड़ गया, तो मतलब अभी उसकी हेल्थ बहुत कम होगी। जल्दी से मेडिकिट लगा के इस पर रश कर देंगे और जल्दी से डैमेज देंगे, बट हेड कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं ग्लू वाला लगा ली, काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहा है लेकिन मैं इसको जीतने दूंगा क्योंकि ये भुया सिर्फ मुझे चाहिए। और भुया लेट्स गो, काफ़ी मज़े की गेम प्ले भी तुम लोगों ने देखा। नो गन स्किन चैलेंज हमने कंप्लीट कर लिया और अपने अंदाज से इसको रिक्रिएट किया। अगर तुम लोगों को वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो फ्री फायर खेलते हैं और
चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ आसिम भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।